अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैन्युफैक्चरिंग डॉट पी के। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि अपना एक टाइटल ब्लॉक कैसे बना सकते हैं ड्राइंग में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू ड्राइंग, ओके। तो यहां से आप अपनी ड्राइंग का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सा चाहिए, A1, A0 का चाहिए, A2, A3 या A4। मैं A3 का सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके ओके। तो यहाँ पर आएंगे तो अब अपना एक टाइटल ब्लॉक यहाँ पर बनाना है मुझे। तो शीट में जाएंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करके उसके बाद एडिट शीट फॉर्मेट यहाँ पर दिया होगा ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर शीट फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो इसको हम अब बनाते हैं, तो सिंपल सा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा बनाना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस लाइन को यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, इसकी मैंने डायमेंशन रखी 90 mm, सॉरी 90 mm, रोल जेड, एक मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल्स की मदद से बना लेते हैं ये, ओके। तो यहाँ पर रखते हैं इसकी डायमेंशन 90 mm, रोल जेड। इस लाइन को मैं फिक्स कर देता हूँ और इस लाइन को भी मैं फिक्स कर देता हूँ, ओके। अब रखते हैं डायमेंशन 90 mm, बल्कि 190 mm इसकी डायमेंशन आएगी या लेंथ। और अब विड्थ रखते हैं इसकी 65 mm, ओके। अब मैं एक कॉलम लाइन की मदद से कॉलम बनाने हैं, एक कॉलम की डायमेंशन रख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 45 mm, 45 mm, ओके। अब मुझे एक और कॉलम चाहिए यहाँ पर, और तीन और कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, 1, 2 and 3 आ गया। अब इसकी डायमेंशन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, 25x25 का होगा ये कॉलम, 3 कॉलम्स बनेंगे यहाँ पर 25x25, ओके। अब मुझे 5 कॉलम बनाने हैं छोटे छोटे, बल्कि 6 कॉलम बन जाएंगे यहाँ पर, 6 कॉलम बना लेते हैं, ये 6 कॉलम हो गए यहाँ पर। अब इसकी डायमेंशन देख लेते हैं, 7x7 mm की, 7x7 mm की इस कॉलम आ गए 7x7 के, वो मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि डायमेंशंस और एक और कॉलम बनाना है यहाँ पर, यहाँ पर कोने पे एक और कॉलम बनाएंगे और इसकी भी डायमेंशंस रखेंगे 25 रखते हैं और इस कॉलम की रखेंगे हम 10x10, ओके। यहाँ तक तो हो गया, हमने यहाँ पर एक टाइटल ब्लॉक बना दिया। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, मतलब नोट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट का ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम सेलेक्ट करके बोल्ड, ओके। दोबारा जाएंगे, यहाँ पर आएगा डेट,
किस डेट को ये बनी ड्राइंग, यहाँ पर डेट्स मेंशन करनी है। ओके, अब इन कॉलम में आएंगे डिज़ाइन बाय, किसने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन इसका फॉर्मेट में 11 बोल्ड। ओके, डिज़ाइन अप्रूव बाय, अप्रूव्ड 11 और इन बोल्ड। ओके, उसके बाद आएगा यहाँ पर ड्रॉ बाय, ड्रॉ 11 एंड बोल्ड। ओके, यहाँ पर आएगा स्टैंडर्ड बाय, बल्कि चेक बाय, चेक यहाँ पर रखेंगे हम इसका 11 एंड बोल्ड। ओके, एंड में आएगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बाय बोल्ड एंड 11। ओके, यहाँ पर आएगा टैक्स यूनिट, किस यूनिट में है ये ड्राइंग, यूनिट इसका टैक्स बढ़ा के 20 एंड बोल्ड। ओके, और इस कॉलम में आएगा स्केल, स्केल कितना स्केल है इसका, तो इसको भी करता हूँ मैं 11 और बोल्ड। ओके, इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पर, और जो लास्ट में आएगा यहाँ पर इस कॉलम में टाइटल, टाइटल क्या है इस ड्राइंग का, टाइटल सेलेक्ट एंड फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट का साइज मैं रखता हूँ 20 और बोल्ड। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब हमें इस कॉलम में चाहिए अपने जो भी कंपनी का लोगो है, अपना लोगो बनाया हुआ है या तो फिर कोई कंपनी का नाम हो, तो मैं यहाँ पर लोगो बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको लोगो इंसर्ट करना सिखाता हूँ। इंसर्ट करते हैं यहाँ पर लोगो, सबसे पहले आप जाएंगे टूल में, यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, बल्कि सॉरी इंसर्ट में जाके पिक्चर्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पर पिक्चर्स में जाएंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लोगो पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है अपना, ओपन कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसका साइज़ हम चेंज करके जिस साइज़ का हमें चाहिए, ताकि इस कॉलम में ये यहाँ पर आराम से सेट हो जाए, तो उस साइज़ का हम रख के इसको ओके कर देंगे। ओके, अब इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर, नेम बाय मैन्युफैक्चरिंग डॉट PK सेलेक्ट करके इसका टेक्स्ट बढ़ाते हूँ 20 और ओके करते हैं यहाँ पर। ये लीजिए, ये हो गया हमारा टाइटल ब्लॉक इज रेडी, तो टाइटल ब्लॉक से हम बाहर निकल जाते हैं, ओके करेंगे, तो इसको आप सेव कर लेते हैं। हमने इसको हर ड्राइंग में आप यूज़ भी कर सकते हैं, सेव करके आप रख लें, कंट्रोल एस कहाँ पे सेव करना है, मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ टाइटल, टाइटल ब्लॉग के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ, ओके करेंगे ये सेव हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आने वाले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।